लो दोस्त, कैसे हो सब? तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान के बारे में। बहुत सारे लोग फुकरा इंसान से ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या पुनीत सुपरस्टार सच में रियल लाइफ में भी ऐसे हैं जैसे कि वो वीडियो के अंदर दिखाते हैं। तो उसी चीज का रिप्लाई फुकरा इंसान दिए हैं। वो क्या बोले हैं आप खुद देखो। बहुत लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये सच में ऐसा बंदा है तो मैं उनको कैसे समझाऊं? यस, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही है। वो एक्चुअल में बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे साथ वीडियो बनाता है, हमारे से पैसे लेता है और जाके हमारे बारे में फालतू बोलता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है भाई। तो फुकरा इंसान अपने पॉडकास्ट वाले चैनल पे एक पोल रखे थे जिसमें वो एक क्वेश्चन किए थे कि कौन सा गाना करना चाहिए, और ऑप्शन था खुद का सॉन्ग, किसी और का सॉन्ग, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वोट खुद के सॉन्ग पे आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग चाहते कि फुकरा इंसान अपना खुद का सॉन्ग बनाए या खुद का सॉन्ग गाए, ऐसे कुछ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश एक चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान है, और उस चीज का नाम है iPhone 15 Pro Max। आपको पता होगा कि जब से ये फोन लॉन्च हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके हाथों में ये फोन देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज पे कहीं ना कहीं थगेश के मन में एक डाउट है कि सबको iPhone 15 फ्री में मिल रहा है या कोलैब में। अब इसका रिप्लाई मुझे तो नहीं पता, बट अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सो कैरी मिनाटी भी एक स्टोरी पोस्ट करके बताया कि वो iPhone खरीदने जा रहे हैं। ये मैंने पूरी पढ़ ली है तो अब मैं iPhone खरीदने जा रहा हूँ। बट अभी इस स्टोरी के तुरंत बाद एक और स्टोरी पोस्ट की जिसमें वो क्या बोले आप खुद देखो। गाइस क्विक अपडेट, आईफोन मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं क्या नहीं हूँ। और सो इसके बाद भी अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं तो उस पे कैरी मिनाटी क्या बोले हैं आप खुद देखो। तो जो लोग आईफोन लेने की सोच भी रहे हैं उनको मैं एक वैल्यूएबल लाइफ लेसन देना चाहता हूँ कि देखो अपने पैसों से कभी भी आईफोन मत लेना, हमेशा अपने पापा के पैसों से लेना, क्योंकि देखो उनके पैसे तो पेड़ पे लगते हैं। तुम्हारे तुम मेहनत से कमाते हो पर तुम्हारे पापा के पैसे वो रहा एक पेड़। इन सब के अलावा कैरमिनाटी ट्विटर के ऊपर भी ऐसे लोगों को ट्रोल किए। वो एक ट्वीट में लिखे, अमीर आदमी डैश हो सकता है पर एक डैश कभी अमीर नहीं हो सकता, एक डैश अमीर आदमी। जिसके रिप्लाई में एक बंदे ने लिखा, बट तुम्हें तो खूब पैसा है ब्रो। सो उसके रिप्लाई में कैरमिनाटी लिखे, प्लीज दिखाओ मुझे कौन सी ऐसी चीज ली है मैंने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो हो सकता है कि सौरभ जोशी का भी आपको एक वेब सीरीज देखने को मिल सकता है। अब ये कहां पे देखने को मिल सकता है इस बारे में खुद सौरभ जोशी बताएं। गाइज मैं लंदन से मुंबई सीधा इसलिए आया हूं बिकॉज अमेजोन मिनी टीवी है मेरा फेवरेट। आपको पता होगा सारे शोज में देखता हूं, आप लोगों को भी कमेंट करता हूं। आने वाले टाइम में हमारे भी शो या फिर हमारे भी कोई वेब सीरीज आने वाली है तो वेट करना, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अरसो पहली बार सौरभ जोशी जिम के अंदर गए और वहां पे जाने के बाद उनसे एक लड़की पूछी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो उसके बाद सौरभ जोशी का क्या रिप्लाई था आप खुद देखो। एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड है? 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 सबका मोटिव होता है जिम आने का, किसी का होता है फिटनेस, किसी का होता है चिल करना, कुछ लोगों का होता है कि गर्लफ्रेंड बनानी है। तभी मैंने कहा कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको गर्लफ्रेंड बनानी काम, हमारे जो अंकित भाई साहब है। हाँ मैंने देखा शो में। मेरे हिसाब से आप वर्कआउट करो अपने हेल्थ के लिए, गर्लफ्रेंड बननी भी बन जाएगी। पर हाँ सुनो सबकी, करो अपनी, और अगर है तो बता देना, हम उसको भगा देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुल्हड़ पिज्जा वाले कपल के बारे में। तो इनके एक लीक्ड वीडियो के बारे में आपको पता ही होगा, इसके लिए इनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है जिसको कहीं ना कहीं लोग डिमांड कर रहे हैं देखने की, या कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि शेयर कर रहे हैं उसको। सो उसी चीज पे कुछ यूट्यूबर्स रिएक्ट किए हैं, जैसे कि आशीष संचलानी लिखे हैं, अगर किसी का प्राइवेट मोमेंट सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है तो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे ना ही शेयर करें और ना ही उसे देखने की डिमांड करें। जस्ट इमेजिन कि उस महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो आपके फैमिली से भी हो सकता है, तो आप ऐसी चीजें ना करो। कृपया दूसरों के प्रति भी थोड़ा सा चिंता दिखाइए, और आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अपने आप को उनके जगह पर रखें और अपने आप से पूछे कि पहला क्या होगा कि उस वीडियो को देखते ही आप क्या करेंगे। कहीं ना कहीं आप हर किसी से विनती करेंगे कि उस वीडियो को लोग फॉरवर्ड ना करें, शेयर ना करें, है ना। जानता हूं कि इसके लिए मुझे या तो बहुत आलोचना झेलनी पड़ेगी या फिर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं बस वही लिख रहा हूं जो मुझे अच्छा लगा। आशा है आपको समझ में आएगा। अब इनके इन्हीं स्टोरी के रिप्लाई में बहुत सारे लोग इनको बोलने लगे कि अगर उनको इन्हीं सब का डर था तो वीडियो ही क्यों रिकॉर्ड किए। सो इसके बाद उन सभी के भी रिप्लाई में आशीष संचलानी एक स्टोरी पोस्ट किए जिसके अंदर वो लिखे, फॉर पीपल सेंडिंग मी, तो उसने रिकॉर्ड क्यों की? ठीक है तुम सही हो, लेकिन उसकी बेवकूफी की सजा किसी लड़की को क्यों दे रहे हो? भाई थोड़ा सेंसिटिव होकर सोचो कि प्राइवेट मोमेंट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो प्रिंस नरूला भी इस चीज पे कल एक स्टोरी पोस्ट किए, उसमें क्या बोले हो आप खुद देखो। हाय एवरीवन, सो हमारा एक पंजाबी कपल है जिनकी एक पर्सनल वीडियो लीक हुई है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के पास भी अगर वो स्प्रेड होकर आती है तो प्लीज उसको देखो मत, उसको डिलीट करो, और जिसने आपको भेजी भी है उसको भी बोलो कि डिलीट करे। ऐसे किसी की जिंदगी का तमाशा मत बनाओ, उनके भी बेबी हुआ यार, उनको ऐसा मजबूर मत करो कि कोई और स्टेप उठाएं। सो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और जिसने डाली है उसके बारे में तो क्या ही बोलूं। सो प्लीज थैंक यू सो मच, हमें इस टाइम पे उनके साथ खड़े होने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।
ओके नेक्स्ट बात करते हैं यूके जीरो राइडर के बारे में। तो अभी इनके साथ फिर से एक पुलिस वाला सीन हो चुका है और इस केस में इनका नंबर पुलिस वालों के पास भी चला गया है, इसीलिए पुलिस वाले कॉल करके भी इनको बोले हैं कि आपको थाने में आना पड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ है आप लोग खुद देख लो। अभी टोल पर थे एंड टोल पर गाइस थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, तो वहां पर पुलिस ऑलरेडी रहती है। पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ किसकी गाड़ी है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। हम लोगों ने कारने दिखाया, उन्होंने कारने की फोटो खींची, विच इज नॉट अलाउड टू बी वेरी प्रेसाइज। कारने दिखाना वैलिडेशन है, मैं किसी को फोटो नहीं दे सकता उसकी गाइस, बिकॉज उसमें ना बहुत सारी चीजें पर्सनल है। एंड उस कारने में ना अपन का नंबर था। व्हाट हैपेंड, अभी पुलिस का फोन आया, मैं देख रहा हूँ मुजफ्फर खतौली पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही है, मेरे को लगा कोई फेक आईडी से कॉल कर रहा होगा। देन पुलिस का फोन है कि अनुराग डोभाल बात करें, मैंने कहा हाँ जी, बोले आपकी गाड़ी अभी यहाँ से गई थी, आपको पुलिस थाने आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। मैंने कहा सर मैंने आपको कार ने दिखा दिया, तो मैं लोकल पुलिस थाने क्यों आऊँ यहाँ पर। फिलहाल अभी गाइज पुलिस वाले पुलिस स्टेशन बुला रहे, हम लोग चढ़ चुके हैं पेरिफेरल पे, आगे रोकते हैं साइड में, डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं जाना है, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा सीन होगा। और फिर पता ये भी सीन है कि वो आगे जा करके ना नाकाबंदी ना करा दे कि हम लोग भाग रहे। मैंने बोल दिया सर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दिखा दिए थे। ओके नेक्स्ट बात करते हैं एलवी साधो के बारे में। तो अभी आपको पता होगा कि एलवी साधो को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि घमंड आ गया इनमें, या अभी एलवी साधो पुराने एलवी साधो की तरह नहीं रहे, वो चेंज हो चुके हैं। इन्हीं सभी चीजों पे फाइनली एलवी साधो कुछ स्टोरी पोस्ट किए, वो क्या बोले आप खुद देखो। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो फाइव स्टार सारी मुलाकातें। भाई कई लोग ना मैसेज कर रहे हैं मेरे को, एलविस भाई तुम ना चेंज हो गए। अच्छा और क्या क्या हो गए? हाँ यार अमीर हो गए। फिर से घमंड दिखा दिया, घमंड आ गया है, पैसा आ गया है। चलो फिर है, अबे क्या देख रहा, पैसा मांगेगा क्या? चल यार। अब इनके इस स्टोरी को भी बहुत सारे लोग सीरियस लेने लगे, तो उसके रिप्लाई में भी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें क्या बोले आप खुद देखो। मजाक कर रहा हूँ यार, कदे कदे तो सारा मूड अच्छा हुआ है, उस मूड में तुम्हारी गल थोड़ा सा मजाक कर दे, पब्लिक सीरियसली लेगी। यार तुम्हें लग रहा है कि घमंड आ गया तुम्हारे भाई में? नहीं यार आएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें मां कसम। ओके नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो अभी तक आप उनको पीसी के अंदर फैस्मोफोबिया या कोई भी घोस्ट वाला गेम खेलते हुए देखे होंगे, बट अभी वो रियल लाइफ में इस चीज को किया है, आप खुद देखो। हेलो गाइस, इट्स योर बॉय घोस्ट बस्टर डिटेक्टिव छगन, जो अभी अभी IRL घोस्ट बस्टिंग करके आया है। फैस्मोफोबिया इन रियल लाइफ खेली है मैंने, अभी अभी नई वीडियो डाली है ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे, इधर लिंक है, जाके वीडियो देखो, कुछ अलग सा है, कुछ डिफरेंट नया सा ट्राई करा है, होपफुली आप लोगों को पसंद आए। क्लिक द लिंक एंड वॉच द यस ट्रिगर्ड इंसान। इस वाले वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च करके भी देख सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।